अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स। मैं राबिया इकबाल खान हमेशा की तरह आप सब लोगों का अपने चैनल पे अपने किचन में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से। और इसके दो स्टेप हैं, एक मैरिनेशन है, दूसरा जो है इसको दम पे डाल करके पकाना है। तो चलिए सबसे पहले मटन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। जो है मेरे पास बिल्कुल फ्रेश है, थोड़ा सा चर्बियों वाला है और मिक्स जो है इसके अंदर गोश्त है, हड्डियां हैं, सब कुछ मिक्स है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो करके बहुत थोड़े देर के लिए छन्ने में छान लिया था। इसका पानी बिल्कुल निकल चुका है, पानी ड्राई है ये। और इसमें मैंने 1.5 केजी मटन है ये, और इसमें मैं 2 टेबल स्पून फुल भर करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो है मसालों में मैंने पाउडर मसालों में मैंने ज़ीरा ले लिया है 2 टीस्पून फुल भर करके, गरम मसाला पाउडर ले लिया है 2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर ले लिया है 2 टीस्पून, धनिया पाउडर ले लिया है मैंने 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ले लिया है मैंने 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने 2 टीस्पून। और जो है अभी हम गोश्त के हिसाब से डालेंगे, 3 टीस्पून फुल भर करके मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ा सा होल गरम मसाला हम डालेंगे, साबुत गरम मसाला, जिसमें ले लिया है 2 तेज़ पत्ता और 1 बादियानी का फूल ले लिया है, 3 मैंने जो है बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 मैंने बड़ी छोटी इलायची ली है, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है, थोड़ा सा आधी चम्मची मैंने ज़ीरा ले लिया है, और 5 से 6 दाना मैंने काली मिर्च का लिया है, 5 से 6 मैंने लौंग ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने जावित्री ले लिया है, 2 से 3 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया है तोड़ करके, और इन सबको हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो है 3 टीस्पून भर करके हमने यहाँ पे बिरयानी मसाला ले लिया है। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का। और इसमें है प्याज, थोड़ा सा फ्राई करके मैंने जो है 2 बड़े साइज़ का मैंने मीडियम बड़े साइज़ का प्याज जो है फ्राई कर लिया था, उसका मैंने फ्राई करके थोड़ा सा हिस्सा जो है रख लिया है, ऊपर से गार्निश करने के लिए डालेंगे और बाद में। और अभी हमने 2 हिस्सा जो है प्याज का बिरयानी करके इसमें डाल दिया है। टमाटर मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का चॉप करके, धनिया पत्ता जो है मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून, जिसमें से हम धनिया पत्ता थोड़ा सा बचा लेंगे। और दही इसमें हम डालेंगे 1 चाय के कप से भर करके, फुल दही जो है ऐड कर देंगे, थिक दही है ये, गाढ़ा जो है वो। और हरी मिर्चें मैंने 8 से 10 लिया है, इसमें से मैं 5 से 6 मिर्चें अभी ऐड कर दूँगी। और नमक और स्पाइसी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। पुदीना भी मैंने लिया है, इसमें से भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे और थोड़ा सा इसमें आधा ऐड कर देंगे। और लेमन जो है हम इसमें 2 से 3 टीस्पून जो है इसमें ऐड कर लेंगे, और बाकी का बचा करके रख देंगे ऊपर से डालने के लिए। और अब जो है ये इसमें हम थोड़ा सा तेल जो है जो हमारे पास बचा हुआ था फ्राई करने के बाद प्याज का जो तेल बचा हुआ था, हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून तेल इसमें ऐड कर देना है। और ये देखिए लेमन जूस मैंने अभी इसमें ऐड किया है, और अब इसको हम थोड़ा सा इसमें हम विनीगर डालेंगे। विनीगर इसमें हम 2 टीस्पून डालेंगे, इसलिए डालेंगे विनीगर क्योंकि इससे गोश्त हमारा जो है मटन जो है वो देगची में गलाना है, तो ये जल्दी गल जाएगा, गलाने में काफ़ी आसानी होती है विनीगर डालने से। और इसको आप ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसको आप वाइट कोई सा भी आपके पास सफ़ेद सिरका जो है वाइट विनीगर वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब हम तेल डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, हाथों से कर लें या फिर स्पून से कर लें, किसी भी चीज़ से। और मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और आप चाहें तो इसे रात में भी मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, पूरी रात अगर ये मैरिनेट होगा फ्रिज में तो काफ़ी अच्छा इसका जो है टेस्ट आएगा बिरयानी का। और अब ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, हम इसे साइड पे रख देंगे। चावल मैंने ले लिया है 1.25 केजी, 1.5 केजी मैंने चावल नहीं लिया है, मटन के हिसाब से मैंने 1.25 केजी चावल लिया है। और उसको जो है मैंने भिगो करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था बासमती राइस है लॉन्ग ग्रेन का, और वो भी हमने ड्रेन करके साइड पे रख लिया है।
और यहाँ पे हमने अब जब मेरीनेट हो चुका है मटन, तो हम हाई फ्लेम पे इसको जो है चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक कतरा भी पानी नहीं ऐड किया है, और ये बिना पानी के इसके अंदर से इतना पानी जो है निकल चुका है। और इसी पानी के साथ हम इसको गलाएंगे, पकाएंगे। तो ये जो है अभी इसको हम चला लेंगे बीच में और ढक देंगे फिर से। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे जब तक कि ये आधा से ज़्यादा पक ना जाए। और इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है घी ऐड कर देंगे और इसे फिर से ढक देंगे चला करके। यहाँ पे देखिए कि पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और तेल जो है बिल्कुल अलग होने लगा है, यानी गोश्त जो है वो भुन चुका है, भुन चुका है। अब हम इस गोश्त को निकाल लेंगे एक अलग से पतीले में, किसी भी बर्तन में, और इसी बड़े पतीले को हम वॉश कर लेंगे और इसी के अंदर हम चावल को पकाएंगे, ताकि जो है हमें दूसरा बड़ा पतीला अलग से लेना ना पड़े। अब इसमें हमने पानी जो है चढ़ा दिया था और उसी के साथ मैंने चावल भी डाल दिया था, पानी और चावल एक साथ। और पानी मैंने उतना डाला है जितना कि हमें चावल को बॉईल करने के लिए चाहिए। और इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता और 3 छोटी इलायची, 1 बादियानी का फूल और 3 से 3 लौंग और 1 मैंने सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा डाला है, और 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है इस चावल के अंदर, ताकि चावल के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त का अपना नमक है, उसमें अलग अपना टेस्ट होगा। तो मैंने उसमें अलग से उसके हिसाब से, गोश्त के हिसाब से नमक डाला है, और चावल का अलग से अपने हिसाब से, चावल के हिसाब से नमक ऐड किया है। अब ये पक चुका है 90%, तो हम इस चावल को ड्रेन कर लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। और उसके बाद हम अब इसको दम पे छोड़ेंगे। दम पर छोड़ने के लिए हमने आधा चावल एक पतीले में निकाल लिया है अलग से, और बीच की साइड में हम धनिया पत्ता, फ्राई किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें और नींबू और पुदीना जो है इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल के इसके ऊपर से हम इस पे पका हुआ जो गोश्त है मटन उसको ऐड कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हम चावल डाल लेंगे, और चावल के ऊपर से फिर से हम एक लेयर डाल देंगे पुदीना और धनिया पत्ता और मिर्चों का, और प्याज जो बचा हुआ हमारे पास है वो सब हम इसके ऊपर से डाल देंगे। और इसके ऊपर से हम 2 से 3 टीस्पून जो है घी का डालेंगे, 3 चम्मच छोटी चमची से घी डाल देंगे। और इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा भी इसमें हम मसाला डालेंगे, बिरयानी का जो मसाला है हमारे पास, बिरयानी का मसाला हम इसमें 2 से 3 टीस्पून ऐड करेंगे ऊपर से। 2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम बिरयानी मसाला, और इसको जो है इसके ऊपर से हम इसको अभी हम 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। और दम पे जब छोड़ दिया था, उसके बाद खोलने के बाद अब मैंने इसमें जो है कलर डाल दिया है, फूड कलर डाल दिया है। 2 पिंच जो है, 2 चुटकी मैंने फूड कलर ऑरेंज कलर डाला है, और थोड़ा सा मैंने केवड़ा डाला था, बिरयानी का जो एसेंस आता है वो। आप चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है, कलर भी आप चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और ये 10 मिनट होने के बाद मैं इसको चला रही हूँ, तो 10 मिनट जब ये दम पे पक चुका था तब मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए नीचे से, और धीरे धीरे ही चलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्के हाथ से चला करके। अब ये जो बिरयानी है बिल्कुल रेडी है। दम पे रखने के लिए टोटल टाइम मेरा जो है 15 मिनट लग गया था लो फ्लेम पे। तो चलिए, उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा आने वाली रेसिपी को पाने के लिए, और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू।